आरजेडी का बुनियाद कौन रखा? शहाबुद्दीन। आज उस परिवार से एक भी फोटो आप देखेंगे, गोपालगंज का आरजेडी का वोट है वो साहब की वजह से, साहब के परिवार की वजह से है। अपने पार्टी के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ। अगर आज शहाबुद्दीन साहब की फैमिली के यहाँ एंट्री हो जाती है तो बिहार का जितना लोग नेता लोग पहुँच रहा है, अल्पसंख्यक लोग, उन लोग का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसी परिवार को लोगों ने छोड़ दिया। मैडम कहना मतलब 70% वोट यहाँ गिर जाएगा, अल्पसंख्यक वोट गिर जाएगा आरजेडी को, बीजेपी को हराने। ओवैसी की पार्टी भी, ओवैसी की पार्टी जीत नहीं रही। एक तो मुसलमान के वोट से ओवैसी जीत जाएंगे, उनकी पार्टी जीत जाएगी। अगर साहब के परिवार की एंट्री होती है तो राजद का जीत निश्चित है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज विधानसभा के झिरवा पंचायत के झिरवा टोला में और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या सियासी माहौल है, क्या सियासी माहौल है, तो क्या सियासी माहौल है गोपालगंज का? ठीक है, यहाँ राजद का सीट निकलने जा रहा है। कैसे निकलेगा? अनुमान है, अंदाजा है। अनुमान अंदाजा जी। क्या नाम हुआ आपका? ताहिर हुसैन। जिता दीजिएगा राजद? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जिता दीजिएगा। अच्छा, AIM भी तो चुनाव लड़ रही है बीजेपी को। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी को हराने, ओवैसी की पार्टी भी तो चुनावी मैदान। ओवैसी की पार्टी जीत नहीं रही है, बीजेपी को हराने आई है कह रही है। बीजेपी को हराएंगे? क्या हराएगी, जीत नहीं रही है तो वोट खराब करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब वोट खराब कर रही है जी? क्यों वोट खराब हुआ? तो बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों को कह देने से कोई किसी को हराता नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमान हमारे साथ। मुसलमान के वोट से बीजेपी हार जाएगी। जात है, लेकिन जात बात का कोई बात नहीं, जात बात कोई बात नहीं है। क्या कहेंगे, क्या सियासी माहौल है? कुछ नहीं, हम नहीं बोल रहे। और भी लोगों से हम बातचीत करें, क्या सियासी माहौल है? सियासी माहौल ये है कि हर पार्टी अपना अपना जीत का दावा ठोक रही है, लेकिन अभी जो आरजेडी का कहने का जो चर्चा कर रहे थे, आरजेडी जीत रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो गोपालगंज का आरजेडी का वोट है वो साहब की वजह से, साहब के परिवार की वजह से है। अगर साहब के परिवार की एंट्री होती है तो राजद का जीत निश्चित है। साहब शहाबुद्दीन साहब, अगर साहब के परिवार की एंट्री नहीं है तो राजद हारना तय ही है। साहब के शहाबुद्दीन, हाँ शहाबुद्दीन साहब के नाम से करें। आखिर क्यों? वो तो आरजेडी में है ना। आरजेडी में कहाँ है? कौन बोला? कहाँ है? नहीं है। साहब का परिवार का फोटो तक नहीं है पोस्टर पे। आप भी देख रहे हैं, आप मीडिया बंधु हैं, आप देख रहे हैं, साहब का कोई पोस्टर नहीं है, साहब का कोई नाम जिक्र नहीं है। हमको तो लग रहा है कि पूरा बिहार का जितना अल्पसंख्यक नेता है लोग इधर घूम रहे हैं, लोग यहीं वोट मांगने के लिए आ रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं होगा, जब तक साहब का परिवार का एंट्री नहीं होगा राजद का जीत निश्चित नहीं है। अच्छा, साहब की परिवार की एंट्री होती है देंगे? हाँ देंगे। ओवैसी की पार्टी भी तो है? ओवैसी की पार्टी है तो हम लोग थर्ड, अभी थर्ड ऑप्शन तो है ही है, लेकिन साहब का हम लोग ओवैसी के साथ जा सकते हैं? जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा, क्या कहें, विकास हुआ है कि नहीं जी? विकास अगर देखा जाए तो हमारे जो सांसद जी हैं जेडीयू की तरफ से, उनके हिसाब से तो विकास उनके तरफ से हो रहा है, लेकिन विधानसभा में बात किया जाए तो चाचा जो थे बीजेपी से वो भी काम किए हैं, और देखते हैं क्या होता है। रोजगार, हाँ तेजस्वी जी कह रहे हैं रोजगार के लिए कुछ लोगों को मिला भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी तो वो कह रहे हैं अभी तो हम सरकार में आए हैं। हाँ हाँ दे भी रहे हैं, लेकिन हाँ उम्मीद है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्या सियासी माहौल लग रहा है? सियासी माहौल ठीक है, हाँ गोपालगंज से इस बार राजद जीतेगी। ओवैसी की पार्टी है उसको नहीं, उस पार्टी होने से, पार्टी तो बहुत है, पार्टी होने से क्या हुआ? लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हैं, और तेजस्वी जी हैं इस बार आए हैं, हम लोग गोपालगंज से राजद का ही सीट निकालेंगे। जी जी जी, ओवैसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओवैसी ने तो मुसलमान को कैंडिडेट बनाया है। वो कैंडिडेट बनाने से नहीं होगा, जात पर नहीं जाए। कोई हिंदू एक वोट ओवैसी के पार्टी को देने जा रहा है, एक तो मुसलमान के वोट से ओवैसी जीत जाएंगे, उनकी पार्टी जीत जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। सब जात का वोट ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी को हराने के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो बीजेपी का साथ देते हैं, सब लोग जानता है, सब जानता है, सब जानता है, करते तो हैं, उससे क्या हुआ, लेकिन वो बीजेपी का ही काम करते हैं। बीजेपी
जी 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 हम लोग सब जानते हैं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या सियासी माहौल लग रहा है अंकल? तबीयत ठीक नहीं भैया। अच्छा अच्छा, और भी क्या सियासी माहौल लग रहा है? क्या बोल रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या लग रहा है? बढ़िया है। बढ़िया है किसके साथ? जो निकलेगा उसी के साथ में हम लोग हैं। जो निकलेगा उसके साथ। क्या उम्मीद है? युवा हैं आप, क्या रोजगार मिलेगा? अब देखिए मिलता है कि नहीं, बोले तो हैं। बोले उम्मीद है। उम्मीद तो लग रहा है। बाकी अब शहाबुद्दीन के परिवार से मिलकर उसके बाद संवर्धन करें। शहाबुद्दीन जी साहेब के? हाँ, साहेब के परिवार से। उनका से वो आएंगे तो आप लोग वोट देंगे? देंगे एकदम, देंगे एकदम। नहीं तो दूसरे जगह देखा जाएगा। दूसरी जगह देखा जाएगा। साहेब के परिवार के साथ है आप? यस जी, साहब के परिवार के साथ। जी साहब के परिवार के साथ है। साहब के परिवार आएंगे? साहब तो आरजेडी में है। जी नहीं, उनको निकाल दिएगा। तो ये लोग हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो हमने आपको सुनाया। कई सारे लोग हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं गोपालगंज विधानसभा में। अच्छा एक बात है, क्या विकास हुआ है कि नहीं बताइए? विकास आपके सामने है, देखिए ना कहाँ का क्या विकास हुआ है। विकास नहीं हुआ। क्या हुआ है? 14 बार MLA रहे हैं, कौन सा विकास हुआ? शहाबुद्दीन की चर्चा हो गई, साहेब की चर्चा हो गई, क्या यहाँ कैसे माहौल रहता था पहले? सुनिए बता देते हैं आपको। आरजेडी का बुनियाद कौन रखा? शहाबुद्दीन। आज उस परिवार से एक भी फोटो आप देखेंगे गाड़ी पे जो पोस्टर लगा है, उस परिवार से न उनके वाइफ का है, न उनका है, न उनके बच्चे का है। गोपालगंज में चुनाव इसलिए नहीं? गोपालगंज से पार्टी के आदमी हैं, गोपालगंज से क्या मतलब है? आरजेडी का बुनियाद रखने वाला कौन? संसद शहाबुद्दीन। उसी परिवार को लोगों ने छोड़ दिया। तो क्या लगता है शहाबुद्दीन का कुछ बताइए कि यहाँ अभी देखिए अभी आज कितने तारीख को है? 3 तारीख को है। 3 तारीख को है जी। अभी हफ्ता दिन है, हफ्ता दिन में बहुत कुछ हो सकता है। आप लोग लेकिन कहेंगे कि शहाबुद्दीन परिवार को अगर एकदम जरूरी है साथ देंगे? एकदम देंगे, क्यों नहीं देंगे। शहाबुद्दीन क्या आप लोग मतलब समर्थन करें? क्या यहाँ क्या उन्होंने कैसे आते थे वो कुछ कहानी बताइए उनके बारे में, जो पुरानी थी कुछ आते थे तो क्या आप लोग माहौल देखते थे? शहाबुद्दीन साहब एक अच्छे इंसान थे, अपने पार्टी के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ राजद के लिए मिला जुला के आप इतना समझ लीजिए कि उसका बुनियाद शहाबुद्दीन साहब ही थे। सबको पता है, उस परिवार को लोगों ने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? साथ रखना चाहिए, जरूरी है। क्या कहेंगे आप तो शहाबुद्दीन की आप चर्चा किए थे, देखे हैं कि नहीं? जी जी देखे हैं। आए हैं इधर शहाबुद्दीन साहब को? पहले से देखा हूँ, सिवान में देखा, सिवाने में मेरा सारा कारोबार रहा, बहुत टाइम से जानते हैं। एक और चीज़ आपको बता दें, अगर आज शहाबुद्दीन साहब की फैमिली के यहाँ एंट्री हो जाती है तो बिहार का जितना लोग नेता लोग पहुँच रहा है, अल्पसंख्यक लोग, उन लोग का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैडम का ना मतलब 70% वोट यहाँ गिर जाएगा, अल्पसंख्यक वोट गिर जाएगा आरजेडी को। नहीं तो जितना ही लोग आ रहा है, ये लोग आएगा हम लोग कहेंगे हाँ हाँ आपके साथ है, लेकिन होना कुछ है नहीं भैया, जो बात है ये सच है। तो आपने सुना कि गोपालगंज के जो है गोपालगंज विधानसभा में और मुस्लिम वर्ग के इलाके में है, ऐसे में यहाँ पर साहेब, सिवान के साहेब और बिहार के साहेब कहे जाते हैं शहाबुद्दीन, उनकी पत्नी को लोग कहें, उनकी पत्नी या उनके परिवार के कोई भी अगर यहाँ पर आ जाए तो अल्पसंख्यक उनके साथ हो जाएगा, ऐसा कहना यहाँ के लोगों का है। लोगों ने साफ साफ कहा अगर साथ हो जाए तो हम तेजस्वी को जिता देंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।